होली कब है? होली आ जाइए बेटा, हमारी कर लो वो है। बस 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 हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इतने लेट व्लॉग क्यों डाल रही हूँ। तो मैं अपने ससुराल में थी जहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और अगर मैं 2-3 दिन के लिए गई हूँ सिर्फ अपना लैपटॉप लेकर के बैठी रहूँगी तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग से तबीयत की वजह से गैप लिया था। फिर उसके बाद मैं ससुराल चली गई थी तो वहाँ पर व्लॉग अपलोड नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। आई रियली होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। आई रियली होप आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होली वाला दिन है, और ये जो आखत होती है, मतलब आखत पड़ती है यहाँ पर होली, होली की जो आग होती है जो बाहर जलती है, वो चाचा जी लेकर के आ गए थे। उसी आग से घर में भी होली जलाई जाती है। तो जेंट्स लोग सारे बाहर पूजा करके आते हैं, और जो भी घर की लेडीज़ होती हैं वो घर पर ही फेरे लगाती हैं, मतलब इस आग के चारों तरफ, जिसको हम लोग आखत बोलते हैं, परिक्रमा करती हैं और होली की पूजा कर। सो यहाँ पर फुल ऑन मस्ती मजाक चल रहा है, और जो आखत है वो भी हम लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। तो ये और चाचा जी तो बाहर से ही आ गए थे डाल करके, हम इतने ही लोग हैं, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया कि आप पूछो ही मत, बहुत ही मज़ा आई। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर मेरी पहली होली है मेरे पुरखों की देहरी पर, मेरे घर पर पहली होली है, मैं यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली हमेशा सासू माँ छिबरामऊ जाती थी तो हमें भी वहीं पर जाना पड़ता था, बट इस बार हमने सोचा कि चलो यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, काफ़ी साल से हम लोग वहीं पर जा रहे थे। तो यहाँ पर ससुराल में होली दिवाली अभी तक कुछ भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई है, बट आज जो चाचा जी हैं वो आलू भूनने के लिए यहाँ पर, मतलब उन्होंने आलू भूनने के लिए रख दिए हैं। ये इन्होंने बताया कि मतलब बचपन से लेकर के आज दिन तक चाचा जी का यही रूटीन है, जब आखत पड़ जाती है थोड़ी देर बाद चाचा जी आलू ज़रूर भूनते हैं और सब लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इतने सालों की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई थी, बोल रहे थे पहले ऐसे होता था, इतने लोग आते थे, वैसे होता था। तो मतलब हर साल की यादें ताज़ा ही हो जाती हैं, कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग याद करने ही लगते हैं कि हाँ पहले कैसे होता था, अब टाइम कितना बदल गया है। चाचा जी की आदत बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो आज भी आलू लेकर के आए और फ्राई कर रहे हैं हम लोगों के लिए, मतलब भून रहे हैं। क्या बन रहा? यार अभी तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी देर चाचा जी ने चलाया, थोड़ी देर चाची जी ने अब हम चला रहे, सब लोग मिल मिल के बना रहे हैं। सही है, हो तो गया लाल लाल। क्या कर रही है ऊपर? भीग गई है? भीग तो गई अब, लेकिन हमने धूप में खड़ा कर दिया। अरे नहीं, उसे ले आओ, उसके कपड़े चेंज कर दूंगी। कितने करोगे? फिर वो गीली हो जाएगी। अरे कर दूं, इसलिए लेके आई हूँ, ढेर सारे लेके क्यों आई हूँ, ले आओ उसे गीला। टोपी रंगो, टोपी क्यों दे दे? चाहिए क्यों तुमको? बुला तो रखा है यार, ये लो टोपी, लो टोपा लो भी। ये मेरे लवाल, ये यू एम एस में बड़े वाले, तुम मैं पहनती जो पीछे। अरे वाह, तुम्हें तो शूट करना बनता है। सो बेटों की मस्ती का तो आप हिसाब ही मत पूछिए, एक पैर पर नाची है लड़की, मतलब इतना दौड़ी भागी कूदी, खूब खेली। और आप लोग टेंशन मत लेना, ऊपर देखने वाले लोग हैं वो बच्चों को देखे हुए हैं, सो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और देखिए जब तक इतना काम हुआ तब तक ये जो आलू है इधर, वो भी भुन करके रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में इनको खाएंगे। और बाहर के देखिए, ये बाहर जो बच्चे हैं गली मोहल्ले के, वो सारे ही लोग मतलब रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार यहाँ पर हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं अपने घर में यहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रही हूँ, त्यौहार मना रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ अरे गलती से पढ़ ना जाए वो हम सोच रहे हैं।
होली कब है? होली आ जाइए बेटा, हमारी कल लहू है। चाचा जी बटर चाहिए? नहीं, बैठ नहीं पा रहे हम नीचे, यहाँ बैठो ना। ये हटाओ कपड़े, ऊपर बैठ जाओ, खाओ आकर के। पर हम सारे ही लोग बैठ कर के भुने हुए आलू खा रहे हैं, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ चटनी पीस ली थी, बटर मंगा लिया था, ये बटर लेकर के आ गए थे। देसी घी से भी खाते हैं, बटर से भी खाते हैं, और बस जो मसाले वाला नमक होता है चाची जी ने बना के रखा था, बहुत टेस्टी लगता है, तो उससे हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत बहुत नाचा है, मतलब एक डेढ़ घंटे तक डांस किया है, फुल ऑन मस्ती की है, और चाची जी हमारा वीडियो शूट कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चले गए हैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने, इनके बहुत सारे दोस्त हैं तो ये उनके साथ होली खेलने गए हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, और बेटू देखिए कितनी मस्ती कर रही है, बहुत उसने ये अपनी नकली विग लगा करके, ये मतलब अपने ये होली वाली विग लगा करके उसने इतनी मस्ती करी, और ये हटाई नहीं है बिल्कुल भी, कितनी क्यूट लग रही है ना, बहुत नाची। मतलब शूट तो नहीं पूरा कर पाया, 2-2.5 घंटे तक लगातार डांस हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजे किए हम लोगों ने। भरत आया है और नंदी आया हमारे भाभी, होली मुबारक। तिलक 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 तिलक। तो हमारे यहाँ थोड़ी छोड़ आया तुम। हाँ तो तुम अरे बदतमीजी, नहीं हट, ना चुके। देखो भाई तो नंदी, तुझे लड़ाई हुई है क्या फायदा? लड़ाई मान लियो, अभी अभी समझा करो, आगे सर कर लो। वो देखो बताने आया कि थोड़ा सा जो पीछे दुपट्टा पीछे करवाओ, बहू है तुम्हारी, साले बड़े बूढ़े हो तुम। इन्हों की बहू मैडम जी, आप देख ही पा रहे होंगे, जब तक मैंने नहावा करके रेडी हुई तब तक इनके फ्रेंड लोग आ गए थे, बट वही हंसी मजाक चल रहा था, थोड़ा सा कलर लगवा लिया शगुन का, होली नहीं खेली, होली खेलने के ही मूड से आए थे, बट मैंने कहा नहीं आप लोग थोड़ा लेट हो चुके हो, अब मैं होली नहीं खेलूंगी दोबारा, मुझे नहीं नहाना है, एक बार तो मुश्किल से नहा पाया है मैंने, तो इस वजह से बस थोड़ा सा शगुन किया। और यहाँ पर ये इनके फ्रेंड है, ये आपस में भी खेलने लगे, मतलब मेरे साथ खेलते खेलते आपस में ही मन कर गया इनको खेलने का, और मतलब घर की सफाई वगैरह भी चल रही थी, सब हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था इन लोगों को। और बस शाम का टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, रंग खेलने के बाद हमारे यहाँ जाया जाता है मिलने के लिए, मतलब मिलने आते हैं लोग, जाते भी हैं, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के पास, मतलब जो मेरी मौसी जी हैं उनकी दोनों बेटियाँ फरकाबाद में ही रहती हैं, तो वहीं पर हमारा जाने का प्लान है। दीदी जो मैंने आपको दिखाया था अपने एनिवर्सरी वाले में, दीदी मेरी आई हुई थी, मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ मिलने के लिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और साड़ी आप माइंड मत करना, इस साड़ी का पल्लू नहीं बन पाया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 7-8 बार खोला लगाया बट तब भी पल्लू अच्छा नहीं बना, क्योंकि इस पे वर्क इस तरीके का है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। देख रास्ते में इतना ज़्यादा रश था, इतनी पतली पतली रोड थी और उसमें भी मेला लग रहा था, आप सोचो इतना चलने की ही जगह नहीं थी, उसमें इतना मेला लगा, पता नहीं कैसे मैनेज किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, निकलने की भी जगह नहीं थी, और ऊपर से इतने ही बीच में कार भी जानी है तो फंसते फंसाते जाम में, और ये रास्ता भी भूल गए थे कि कहाँ से निकलना है क्या करना है, कह रहे बहुत सालों बाद आ रहा हूँ इस वजह से रास्ता भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा देर हो गया था पहुँचने में। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली रोड है यहाँ पर, मतलब इसमें गाड़ी चलाना मैं तो मतलब हार मान जाऊंगा, अगर मुझे कोई चलाने को दे दे मैं तो नहीं चला पाऊंगी, बट ये इनको आदत है तो इस वजह से लेकर के जा रहे हैं, बट अच्छा लगता है ना, कभी कभी ऐसे रास्ते भी अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रास्ते तो हम लोग जाते ही हैं, वो उसका सुख अलग होता है और इन रास्तों का सुख अलग होता है, इनकी बात ही अलग होती है, एकदम मतलब कहते नहीं है कि गाँव के अपनेपन से रास्ते लगते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। पर मैं पहुंच गई हूँ दीदी के घर, और दीदी के घर पहुंचते पहुंचते इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, एक्चुअली इनका जी घबरा रहा था क्योंकि दिन भर ये गए हैं, पता नहीं बोल रहे थे कितने 17-18 पता नहीं ऐसे कुछ बोला था, इतने दोस्तों के घर थोड़ा थोड़ा गए हैं मिलने, पूरा दिन कहीं कुछ खाया कहीं कुछ खाया, इस चक्कर में इनके जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आ करके सबसे पहले दीदी के यहाँ लेट गए हैं, तो वही जीजा जी से फ़ोन करके कुछ दवाई मंगवा रहे हैं, अभी जीजा जी बैठे थे वो चले गए हैं मार्केट, तो वही कह रहे थे कि कोई दवाई ले आना,
तो वही मैं फोन में ला रही हूँ, तो वही दीदी को दे रही हूँ। जीजा जी से दवाई मंगवा रहे हैं अपने लिए, फिर उसके बाद बस बातें बातें की। ये यहाँ पर एक्चुअली क्या बोलते हैं, मतलब फर्रुखाबाद में रहती हैं, ये छोटी वाली दीदी हैं और एक बड़ी वाली दीदी और हैं, उनके यहाँ भी जाना था बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब हद से ज़्यादा लेट, किसी के यहाँ जाना अच्छा भी नहीं है ना, फिर इतना ही इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमने सोचा कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम आएंगे हम ज़रूर जाएंगे उनके यहाँ, इस बार इन दीदी के आ गए। लास्ट टाइम बुलाते मतलब बहुत बुलाया दोनों दीदी ने, तो हम लास्ट टाइम नहीं जा पाए थे, तो हमने कहा नहीं होली पर तो हमें जाना ही जाना है, तो बस बैठे बातचीत की, खूब मस्ती की, और दीदी की एक जेठानी जी और रहती वहाँ पर भी गए, बातें शातें की, बहुत अच्छा लगा। और सारे ही लोग मेरे वीडियोस देखते, मैं जहाँ जाती हूँ सब मुझसे बोलते कि मैं आपकी वीडियोस देखती थी, सुन के मुझे ससुराल में जब ये ऐसी बातें सुनती हूँ ना, मुझे शर्म सी आ जाती है बहुत ज़्यादा, सब लोग मुझे ये सुनाते हैं कि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी सी शर्म सी भी आ जाती है सुनने में। तो दीदी की जो जेठानी जी हैं वो भी मेरे बहुत वीडियो देखती हैं, नहीं डालती हूँ तो पुराने वीडियो देखती रहती, तो मुझे बहुत प्यार सा लगा, बहुत अपनापन लगा सबके यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और बस लौट गई थी, रास्ते से बच्चों ने कुछ खिलौने लिए, खिलौने लेने के बाद मैं नेक्स्ट डे थोड़ी सी थकान हो गई थी इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया, बस नेक्स्ट डे निकल गई थी अपनी नानी के यहाँ पर। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरी नानी के यहाँ ना कलर दूसरे दिन खिलता है, जैसे हर दिन कलर खिलता है फिर मिलने जाया जाता है, बट मेरी नानी के यहाँ कलर नहीं खिलेगा उस दिन, सिर्फ मिलने जाया जाता है शाम के टाइम, और कलर नेक्स्ट डे होता है, तो ये सिस्टम है। तो आज नेक्स्ट डे है तो आज यहाँ पर होली होने वाली है, तो ये एक्चुअली आराम भी रहता है ना कि एक दिन ससुराल में मना लो, फिर एक दिन मायके में मना लो, एक तरीके का आराम भी है मेरे लिए, दोनों जगह का हम लोग अटेंड कर सकते हैं, दोनों जगह की होली इंजॉय कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी होली ख़त्म हो गई उठती, बट ऐसा नहीं है, सो हम लोग वहीं आ गए हैं अपनी नानी के यहाँ। अच्छा कह रहे हैं, अरे कल बड़े पास का है दिल्ली से आओ हमें क्या खा रहे नाना, क्या खा रहे मटरी अच्छा नमकीन खा रहे गाठिया गाठिया वाले बाल लगा के लगती कैसी मम्मी बाल लगा कैसी लगती क्या किस लिए अच्छा ये क्या किया तुमने गीले हो गए क्यों गीले हो गए ये क्या है ये क्या है ये पीली वाली गरम है ये क्या किया पीली वाली गरम है क्या करके आई बेटी गीले हो गए यहाँ पर बेटू के आते ही सारे बच्चे लोगों की मस्ती स्टार्ट हो गई है। और थोड़ी देर बाद ये मेरी मतलब ये गौरी की रियल मामी है, गौरी के जो मामा जी हैं वो भी पास में ही रहते हैं यहीं पर, तो वो यहाँ पर आई हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए, और बस होली के हंसी मजाक चल रहे हैं, और इनके पैरों में वो रंग लगा रही जो आलता महावर होता है ना वो लगा रही, होली का शगुन बोल लीजिए, होली का हंसी मजाक बोल लीजिए, बस यही मस्ती चालू है, हंसी मजाक हो रहा है, बस यही जिंदगी होती है ना, मतलब हंस बोल के काट लो, त्योहारों पर तो जितना हंसी मजाक करो उतना ही कम है, तो वही सबको उन्होंने कार्टून बना दिया एक लाइन से बैटाल करके दोनों मामा को और मेरे पति देव को, और ये देखिए मुझसे होली खेलने में जुटे हुए हैं। बट आज मेरा कोई होली खेलने का मूड नहीं था, इन्होंने जितना रंग लगाना लगाना, मैंने कहा मैं नहीं लगा रही हूँ अब होली का। अरे अरे बेचारे को आराम से, बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है, फेशियल कर दो बस बस बस। फिर थोड़ी देर बाद जो मामी है वो मेरे भी रंग लगा रही थी, और क्या बोलते हैं रंग लगाना वैसे शुभ होता है, हर शुभ काम में, पूजा में, पाठ में, तीज में, त्योहार में हमारे यहाँ आलता लगाया जाता है महावर, सो वही मामी मेरे भी लगा रही हैं,
और यहाँ पर मामा की मस्ती चालू है। मेरे सबसे छोटे वाले मामा है, बीएसएफ से रिटायर हैं, अनुपम मामा मेरे। तो इनके ही मतलब केवल ये हो तो किसी की जरूरत नहीं है, पूरे घर की रौनक रहती है। बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और हमें प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बचपन से ही, अभी से नहीं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। होता है त्योहारों का मतलब हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, खाना पीना, एंजॉय करना, फैमिली से मिलना, सबसे बड़ी बात। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रोज़मर्रा की दौड़ भाग में सब इतने बिजी होते हैं, सब इतने मतलब हैक्टिक शेड्यूल में होते हैं, किसी के पास कहाँ टाइम होता है। बट तीज त्यौहार एक ऐसी चीज़ होती है कि सब लोग मिल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे ससुराल में भी होली हो गई और मेरे मायके में भी होली हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते नहीं है एकदम परफेक्ट होली बीती मेरी, आपकी कैसी बीती मुझसे शेयर करना। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, हर तरीके से सेलिब्रेट किया मैंने, इतना एंजॉय किया कि आप पूछो ही मत। एक तो ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, थोड़ा सा उससे भी माइंड हटा हुआ था, टेंशन नहीं थी एडिटिंग वगैरह की, तो फुल ऑन एंजॉय किया है मैंने। रियली होप आपको भी मेरा सेलिब्रेशन होली का अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लव यू ऑल। उल्टा लगाती उल्टा, छोटा बच्चा इनके सीधा लग गया पूरा। हो रे देखे मामा, गैप नहीं हुआ है, देखो कितना सुंदर लगाया आपने। ए बेटू ऐसे होली है बना रहे, मान लो होली है।